सब कुछ होता है। तो आपके लिए अल्फाज खान साहब जरा गौर कीजिएगा। सच्चा दिल में अगर प्यार हो, कश्ती तूफानों से पार हो, मौजें आती रहें, मौजें जाती रहें, होके वो बेअसर चोट खाती रहें, इस तलातुम में हम दिल की कश्ती सनम आज उतारेंगे है कसम। तो जैसा भी तलातुम है, आप कश्ती उतार चुके हैं और उतारिए। इमरान खान साहब की सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपके पहले हस्बैंड से अच्छी थी या बुरी थी? पहले की बेहतर थी। पहले की बेहतर थी, इमरान खान नहीं थी। अच्छा एक्सेसिव, अच्छा एक्सेसिव वाली, ठीक। खबरें मिल रही होंगी पिंकी पीनी के हवाले से कि इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है। इस खबर में वैसे मुझे भी सदाकत नहीं लगती थी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप भी इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि वाकई इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है और इस तलाक से भी अगला स्टेप उस स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। जब इमरान खान की शादी हुई थी तो उस वक्त, तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा क्लिप, डेफिनेटली आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है आगे आप वीडियो देखेंगे। और वीडियो को मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है हेडलाइन वगैरह डाल के, और आगे वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करते हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी जो तीसरी बीवी थी उनके साथ भी तलाक ले लिया है। तो क्या गेम, मतलब ये मजाक चल रहा है इमरान खान का, ये कैसा सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं डिटेल में बात इमरान खान की सेक्सुअल पावर कैसी थी, जो उनकी प्रीवियस पत्नी थी मतलब जो सेकंड वाली थी, उन्होंने बताया था कि काफ़ी अजीब अजीब तरीके की इमरान खान हरकत करते थे और सेक्स करते थे। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और वो डॉक्यूमेंट्स मैं आप सबको दिखाना भी चाहता हूँ कि असल में गेम क्या चल रही है और पिंकी पीनी ने गेम क्या चलाई है, और इस वक्त जो खबरें चल रही हैं वो इस वक्त खबरें क्या हैं। सोशल मीडिया पर आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा खबरें मिल रही होंगी पिंकी पीनी के हवाले से कि इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है। इस खबर में वैसे मुझे भी सदाकत नहीं लगती थी, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद आप भी इस बात को तस्लीम कर लेंगे कि वाकई इमरान खान और पिंकी पीनी के दरमियान तलाक हो चुकी है और इस तलाक से भी अगला स्टेप उस स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। जब इमरान खान की शादी हुई थी तो उस वक्त बुशरा बीबी के हवाले से एक बात काफ़ी शोहरत पा चुकी थी कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दिन नहीं गुजारे और इद्दत से पहले उन्होंने इमरान खान से निकाह कर लिया। अब जो मैं आपके सामने खबर रखने वाला हूँ, इसके बाद भी एक शक है कि इस बार भी बुशरा बीबी ने इमरान खान से तलाक लेने के बाद इद्दत पूरी नहीं की, या अगर उन्होंने इद्दत पूरी की है तो फिर उनकी तलाक आज से 2 महीने पहले हो चुकी है, क्योंकि ये खबर आपको बता देगी कि इस वक्त पिंकी पीनी कहाँ हैं और पिंकी पीनी ने क्या किया है और इस वक्त वो कहाँ रह रही हैं। तो मैं ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स आप ज़रा गौर से देखें। आप अगर इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि ये FBR में जो डॉक्यूमेंट्स बुशरा बीबी ने जमा कराए हैं ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं, और आपने जो तारीख है उस तारीख को आपने देखना है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान की शादी होती है जनवरी 2018 में बुशरा बीबी के साथ, जनवरी 2018 में बुशरा बीबी के साथ इमरान खान की शादी होती है। FBR में जो बुशरा बीबी अपने कागजात जमा कराती हैं, आप उन कागजात पे डेट देखें, ज़रा गौर से डेट देखें क्या लिखा हुआ है, 12 जुलाई 2021, यानी 2.5 साल बाद बुशरा बीबी ये डॉक्यूमेंट्स जमा करा रही हैं FBR में, और इसमें क्या लिखा है डेट आपने देखना है, डेट आपने देखनी है 12 जुलाई 2021। और अगली बात को आपने ज़रा गौर से देखना है, ऊपर जहाँ पर नाम लिखा हुआ है बुशरा बीबी का, वो ज़रा आप नाम गौर से देखें कि बुशरा बीबी ने अपना नाम क्या लिखा है। बुशरा बीबी ने अपना नाम लिखा है बुशरा खावर फरीद मानिका, कर लें बात आप, बुशरा खावर फरीद मानिका, यानी अगर वो इमरान खान के निकाह में हैं तो फिर वो बुशरा खावर फरीद मानिका वो कैसे लिख सकती हैं जब वो इमरान खान के निकाह में हैं। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ये कल्चर है, पाकिस्तान में जब भी कोई शादी होती है तो उसके बाद खातून अपना सरनेम चेंज करती है और खातून अपने शौहर का सरनेम लगाती है, यानी कि उसकी जो वाबस्तगी होती है वो शौहर के साथ होती है, तो उसके शौहर का नाम लिखा जाता है। और अगर कोई कास्ट भी लिखना चाहते जैसे इसमें लिखा हुआ है मानिका, अब मानिका कहा जाता है कि मानिका एक ख़ानदान है, तो खावर फरीद मानिका इसके साबिक शौहर थे, उनका नाम लिखा हुआ है और अभी तक कोई नाम चेंज नहीं हुआ
खावर फरीद मानगा उनके नाम के साथ लिखा हुआ है, यानी कि वो 3 साल से इमरान खान की बेगम है और उन्होंने साबिक खावंद का नाम लिखा हुआ है। इस दौरान उनको शनाख्ती कार्ड चेंज करना चाहिए था, अपना नाम लिखना चाहिए था, लेकिन उनका नाम चेंज नहीं हुआ। तो फिर इस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर भी सामने आई है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वो ये है कि बुशरा मानिका इमरान खान से तलाक ले चुकी हैं और वो दोबारा खावर फरीद मानिका से वो निकाह कर चुकी हैं। ये इस वक्त आप एक तस्वीर देख रहे हैं और बड़े गौर से तस्वीर देखें, इसमें एक जगह पर खावर मानिका बैठे हुए हैं, साथ में बुशरा बीबी बैठी हुई हैं और साथ में एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इन मौलवी साहब ने यहाँ पर कोई निकाह पढ़ाया है। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये अभी जो बुशरा मानिका ने शादी की है, खावर फरीद मानिका से दोबारा शादी की है, उनके साथ दोबारा निकाह किया है, ये उस निकाह की तस्वीरें हैं। लेकिन मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि ये जो तस्वीर है ये आज की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये एक पुरानी तस्वीर है। इमरान खान के साथ जब बुशरा बीबी ने निकाह किया था, ये उस निकाह से भी पहले की तस्वीर है जो मैं नतीजे तक पहुंचा। लेकिन इस पर लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये खावर फरीद मानिका ने दोबारा बुशरा बीबी के साथ निकाह किया है और बुशरा बीबी ने अपनी इद्दत पूरी की है। इमरान खान ने उनको जब तलाक दी और उसके बाद इद्दत पूरी की, जब ये खबरें सरगर्म थी कि बुशरा बीबी बनी गला छोड़कर जा चुकी हैं, तो उन खबरों में सदाकत थी, वो खबरें सच्ची थी। बुशरा बीबी उस वक्त बनी गला छोड़कर जा चुकी थी और उसके बाद उन्होंने अपनी इद्दत पूरी की और उन्होंने अपनी एक दोस्त के हाँ इद्दत पूरी की। ये दोस्त फरा नहीं है, जिनके बारे में आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी आप देख रहे हैं, ये फरा नहीं है। उन्होंने अपनी एक और दोस्त के यहाँ इद्दत पूरी की और उसके बाद खावर फरीद मानिका से उन्होंने निकाह किया है। इस वक्त जो इत्तलात है वो यही है कि उन्होंने खावर फरीद मानिका से उन्होंने दोबारा निकाह कर लिया है और इमरान खान से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इमरान खान से अब उनकी शादी नहीं रही, वो इमरान खान की बेगम अब नहीं रही, वो बनी गाला में अब नहीं हैं, बल्कि वो अब वापस पाक पतन जा चुकी हैं और खावर फरीद मानिका की वो दोबारा से बेगम बन चुकी हैं। तो ये वो इत्तलात थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी कि इमरान खान अब बुशरा बीबी के खावंद नहीं रहे और बुशरा बीबी भी खातून अव्वल अब नहीं रही हैं और उन्होंने इमरान खान को छोड़। दिल से ये बात बता देना, इमरान खान साहब की सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपके पहले हस्बैंड से अच्छी थी या बुरी थी? पहले की बेहतर थी इमरान खान? नहीं थी, क्योंकि आपने सेक्सुअल परफॉर्मेंस वाली बात बोली है ना कि आप पहले, और अपने पहले हस्बैंड की बेइज्जती की हुई है कि गालियां देता था, ये देता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था, जल्दी फारिग भी हो जाता था, ये भी आपके अल्फाज है। अब आप कह रहे हैं इमरान खान जो है, ये आपने लिखा, अच्छा आप शर्मा ऐसे रही जैसे मैंने अल्फाज क्रिएट किए हैं, ये खूबसूरत बात है। मुझे कह रही है हम बिस्तरी, बड़ा फर्क है। अब जो थ्रीसम और ये तमाम चीजें लिख देना और फिर ये जैसे अभी आप भी एम्बैरस हो रही थी, यार वकार तुम तो सिर्फ सेक्स का पूछे जा रहे हो, बुक में मेरे दादा दादी के बारे में भी लिखा हुआ है, मेरे दादा दादी की मोहब्बत भी लिखी हुई है, मेरे अब्बू को की मोहब्बत भी लिखी हुई है, मेरे दादा दादी की बड़ी क्यूट रोमांटिक स्टोरी। हाँ मैंने देखी, पढ़ी रही थी, मैंने बोल दिया हाँ। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि वो इतनी खूबसूरत लिखते लिखते एकदम लगता है बायपोलर डिसऑर्डर हुआ और एकदम दूसरी तरफ निकल गए। आप हम टीवी का ड्रामा देख रहे हैं, हम टीवी का ड्रामा देखते देखते आपने पोर्न लगा दी, क्यों पौड़ने लगेगी एकदम? नहीं, मैं कह रहा हूँ इस्लाम का बेसिक रूल है कि एक दूसरे के राज को जो राज रखेगा अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके राजों पे पर्दा डालेगा। ये बहुत सारी हदीसों में मौजूद है, मैं तो आपको सिंपल आइडिया बता रहा हूँ, ये राज डाल देने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गाइडेड बाय माई ओन सेंसिबिलिटी और आपकी अपनी सेंसिबिलिटी का लिबादा। और ये इस्लाम का जो बेसिक, अगर मैं बोलूँ ना मैं इस्लाम तो फिर उसके अंदर बेसिक ये है कि ऐप छुपाना है, उसमें ये नहीं कहा गया कि हुक्मरान अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो आप फिर आपको शरीयत के लॉज पढ़ने पड़ेंगे कि किस लॉ के तहत एक्सपोज करना है। या तो आप बोले मैं खुद कर रही हूँ, मेरी मर्जी भाई, मैं अपने हिसाब से करना चाह रही हूँ, इस्लाम नहीं ला सकते बीच में, एक्सपोज करने का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है ना, एक्सपोज करना मैं करूँ या आप करें गलत है। 99 या 98% लोग जो है देखें आपकी बुक के बाद बिल्कुल
कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी रेवोल्यूशन नहीं आई। हो सकता है इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ या किसी और के अगेंस्ट ये बुक लिखी जाती तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाता। आपके ख्याल में पूरे पाकिस्तान पे जादू किया हुआ है, पूरे पाकिस्तान ने एकदम यूं था कि ठीक है भाई लिखा है, अब इमरान खान के बारे में ये एटीट्यूड है हाँ भाई करता तो ठीक है, क्या हो गया फिर? नहीं वकार, ये आपकी बायस है। और कहां से चेक करें? सोशल मीडिया से। सुने पास सुने, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपने इतने। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा ये वीडियो, डेफिनेटली मतलब वीडियो देखकर आपको हंसी आई होगी। और मैंने ये रहम खान जो इमरान खान की सेकेंड वाइफ थी उनका वीडियो भी डाला है। हालांकि आपको बता दूं कि अगर एज वाइज देखा जाए तो जो रहम खान की एज है जो अभी बुशरा बीबी से ज़्यादा है, लेकिन वो एज कंपेयर करें अगर लुक वाइज या फिटनेस वाइज या जो भी आप कह लें वो ज़्यादा अच्छी दिखती हैं बुशरा बीबी से। तो बुशरा बीबी अब इमरान खान की वाइफ नहीं है, ऐसा पाकिस्तान के सोशल मीडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे पत्रकारों का दावा है कि वो अपने पुराने पति के पास वापस चली गई हैं। उन्होंने इमरान खान से शादी के टाइम पे, मतलब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उससे पहले शादी हुई थी, और उसके अभी जब तक 3 साल या 3.5 साल का जो टर्म था उस टाइम पे ज़बरदस्त घोटाले किए, और उनकी करीबी एक थी वो बहुत सारा पैसा वगैरह लेके दुबई चली गई हैं, मतलब उनकी जो दोस्त थी, ऐसा आपने सुना होगा पाकिस्तान के मीडिया में, मैंने वीडियो भी अपलोड किए हैं। तो गाइज आप समझ सकते हो, अब रेहम खान ने तो पूरा उनका इमरान खान का पूरा मतलब क्या बोलूँ बेडरूम सीक्रेट ही सारे खोल डाले और बता दिया कि ये किस तरीके से समलैंगिक थे, किस तरीके से ये महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में इंटरेस्टेड थे और क्या क्या ये चीज़ें करते थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है या वो पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप जाएँ और देखें, क्या कहते हैं, रेहम खान की बुक को देखें, उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप के क्या ख्याल आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? हालांकि ये मुझे समझ में नहीं आता इमरान खान कैसा ये, मतलब चलिए ठीक है आपको आपके रिलीजन में आपके पास है अनुमति है कि आप 4 शादियां करें, इवन आमिर लियाकत तो ये कहता है कि 17 शादियों की अनुमति है। आपने तो मूवी वगैरह या ज़्यादातर मतलब मौलानाओं के मुँह से सुना होगा कि 4 शादियां, लेकिन आमिर लियाकत का मैंने अभी प्रीवियसली वीडियो देखा उसने भी 3 शादी की है, तो वो बोल रहा था कि 17 तक की परमिशन है, मतलब आप समझ सकते हो। तो ये मजाक ही चल रहा है कुल मिला के, और मजाक वाला सिस्टम जो है, अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, कुछ बोलने के लिए है नहीं। और इमरान खान भी इतना मतलब एक, चलिए ठीक है एक पॉलिटिशियन तो एक जोकर पॉलिटिशियन रहे, लेकिन एक क्रिकेटर बड़े रहे और एक फेमस मतलब सेलिब्रिटी रहे, उसके बावजूद अगर आपकी ऐसी लाइफ है तो फिर डेफिनेटली आप पॉलिटिशियन मटेरियल नहीं हो, आप मतलब कि एक प्लेबॉय टाइप के मटेरियल हो, वही आप फॉलो करो, पॉलिटिक्स में आपको नहीं आना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों वीडियो देखने का? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। फिज़ा खान वाला जो मैंने वीडियो था वो खाली मजाक के लिए जोड़ा था, हालांकि जो उसने मतलब जो भी कविता वगैरह बोली थी वो इमरान के लिए जोड़ी थी। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।